नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लेकिन उसको क्या पता कि हमारी देश की सियासत इंसानों को बांट देगी। कुछ ऐसा ही हुआ। मुंबई के टाटा अस्पताल के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ गैर सरकारी संगठन के लोग खाना बांट रहे हैं और लंबी लाइन लगी हुई है। पहले वीडियो को देखिए और गौर से सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो सुना है आपने, ये गैर सरकारी संगठन के लोग हैं और खाना बांट रहे हैं, और एक महिला उसमें हिजाब लगाए खड़ी है, मुस्लिम है। उसके पास सज्जन पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम जब जय श्री राम के नारे लगाओगी तब हम तुम्हें खाना देंगे। अब यानी इस वीडियो के अगर माध्यम से अगर बात करें तो यह कहा जाएगा कि किसी की सहायता अगर आपको करना है तो उसका धर्म देखिए, किसी की भूख अगर आपको मिटानी है तो उसका जात पूछिए, उसके बाद उसको खाना खिलाइए। खैर, यह परंपरा हमारे देश में बहुत पहले से विद्यमान है कि किसी के भी जात पूछकर उसके साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन अब नफरत की पराकाष्ठा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कहीं भी आप चले जाइए, सरकारी अस्पतालों की हालत वही है, सरकारी संस्थानों की हालत वही है, पुलिस महकमे का हालत वही है, अस्पतालों के बाहर जो लोग सहायता केंद्र लगा रहे हैं उनकी भी हालत कुछ ऐसे ही बना दी गई है कि जहां पर अगर कोई मुसलमान दिख गया तो आस्था याद आने लगती है, अगर कोई मुसलमान या कोई मुस्लिम महिला बुरखे में नजर आ जाए तो नारे याद आने लगते हैं और उसके पास वहां से पहुंच जाते हैं कहने कि तुम जय श्री राम के नारे लगाओ। और शायद हो सकता है कि जय श्री राम के नारे लगाने से उनकी आस्था प्रफुल्लित हो जाए, उनकी आस्था में चार चांद लग जाए, उनके नारों को बुलंदी मिल जाए, ये शायद वो सोचते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सियासत ने हमें बांट दिया है और हिंदू और मुसलमानों के चश्मे से देखने पर आमादा कर दिया है, और हम इंसानियत को भूल गए हैं और नफरत की दुकान से जो सामान खरीद के लेके आए हैं उसको बेचने लगे हैं। खैर, जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि दोनों समुदायों में एक समान लोग नहीं है और दोनों समुदाय में यह जाहिर बात है कि अलग अलग विचार हैं, अलग अलग आस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों समुदाय के कुछ लोगों की विचारधारा, उनकी मानसिकता एक साथ मिलती जरूर है। जो कहते हैं ना, गंगा जमुनी तहजीब वाली मिलाप आपको देखने को मिलता है। खैर, एक्स पर सुरेंद्र राजपूत नाम के एक्स हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया और लिखा जाता है कि सबरी के जूठे बेर खाने वाले मेरे सियाराम को इससे अपार दुख पहुंचा होगा, इसे नहीं पता कि यह भूखे से व्यापार करके महापाप कर रहा है। मुंबई टाटा हॉस्पिटल के पास एक एनजीओ द्वारा गरीब मरीजों को खाना बांटा जा रहा था। लाइन में लगी मुस्लिम महिलाओं को खाना बांटने वाला जय श्री राम के बदले उसको खाना देने की बात कर रहा है। उसके बाद अशरफ हुसैन नाम करके एक एक्स हैंडल है, उससे भी इस वीडियो को शेयर किया गया। इसका दूसरा पार्ट है, जो पहला पार्ट हमने आपको दिखाया वो अलग है, ये दूसरा पार्ट है, वो भी एक बार सुनिए, उसके बाद हम फिर आगे बताते हैं। क्या बोले, क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे ना, जय श्री राम बोलो। आपने लिए, आपने भी लिए, वो बोल रहे ना जय श्री राम बोलो। ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोग जो धर्म के हो तो बोल सकते हो, लेकिन मुसलमान जो है वो धर्म का है तो जय श्री राम नहीं बोल सकता। लेकिन वो कह रहे हैं ना जय श्री राम बोलो तो खाना मिलेगा। अशरफ हुसैन ने लिखा है कि जय श्री राम नहीं बोलोगे तो खाना नहीं देंगे। क्या बात हुई, क्या एक बुजुर्ग को ऐसा करना शोभा देता है? क्या ये करना सही है? कोई मुसलमान अगर अपना धर्म, धार्मिक नारा
किसी पर थोपता तो आप उसे क्या कहते? ये सही बात है कि अगर कोई मुस्लिम किसी के साथ ऐसा करता तो आपका नजरिया क्या होता, आपकी राय क्या होती, जरूर बताइएगा। फिर आगे आपको लेके चलते हैं और उसके बाद में अश्विनी सोनी नाम के एक्स हैंडल से लिखा जाता है कि क्या अब किसी मजबूर का धर्म पूछकर मदद होगी। उसके बाद में एक्स पर शेयर किया जाता है अशोक कुमार पांडे, इतिहासकार हैं, लेखक हैं और पत्रकारिता में भी अब आजकल वो बाखूबी अपना अपनी बातें रख रहे हैं, खबरों को आपके सामने हमारे सामने ला रहे हैं। तो अशोक कुमार पांडे भी लिखते हैं कि जब मैंने अपने ऑफिस के पास भंडारा किया तो कई मुस्लिम बच्चे देख रहे थे, मुझे कहना भी नहीं पड़ा और ऑफिस के साथियों ने उन्हें प्यार से बुलाकर शामिल किया और फिर लोग आए और खाए भी। ऐसा अलग करने वाले लोग धार्मिक नहीं सिर्फ सांप्रदायिक होते हैं। यह सच बात है कि अगर आपका मन है किसी का सहयोग करना तो फिर आप धर्म नहीं देखते हैं और धर्म देखकर किसी का सहयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि आप किसी की मदद करने जा रहे हैं, किसी का सहयोग करने जा रहे हैं तो फिर आप निस्वार्थ चाहिए, आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। खैर, अब दूसरी वीडियो आपको, क्योंकि मैंने कहा था ना कि धर्म जो नफरत की पराकाष्ठा है वो बहुत बढ़ गई है और नफरत इस कदर बढ़ा है कि बस छोटी छोटी बातों को लेकर मुसलमानों के दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है, उनके घरों में आग लगा दी जा रही है, उनकी बस्तियों को जला दिया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही, मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला उत्तराखंड के टिहरी से आया है, क्योंकि उत्तराखंड में आजकल माहौल कुछ ज्यादा ही नफरती हो गया है। वहां पे कई तरह के नारे लग रहे हैं, मुल्लों के दलालों को जूते डॉट डॉट, उसके बाद में उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है। वीडियो आपके स्क्रीन पे है, हम आपके स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहे हैं। दरअसल एक सलमान नाम के नाई पर लव जिहाद का आरोप लगता है कि नाबालिग लड़की के साथ अब वो प्रेम प्रसंग में रहता है, उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश करता है और उस पे हिंदूवादी संगठनों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो भीड़ उसके दुकान पे पहुंच जाती है और उसके दुकान में तोड़फोड़ करने लगती है और साथ में आसपास के दुकानों को भी तोड़ा जा रहा है। तो ये माहौल है आजकल हमारे देश का जो हमारे सामने रखा गया है। खैर, ऐसी खबरें हम भी नहीं चाहते कि आप तक लाएं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है लाना, क्योंकि आपको अवगत कराना। वो खबरें आपको नहीं दिखाई जाती है जो समाज में असल में हो रहा है। तो खैर, ऐसी खबरों पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है और इन जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा।